सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो सच्चाई के रास्ते में चलते हैं उनके जीवन में परेशानियाँ जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। जिंदगी में कुछ लोग भी, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लोग दूसरों को बुरा तो ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हों। आज का पंचांग 6 जून 2022 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 7:55 तक रहेगी। मघा नामक नक्षत्र रात्रि 2:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:24 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 6 जून 2022 दिन सोमवार, आज आप खरीदारी संबंधित किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आपकी किसी समस्या का समाधान निकलेगा और कोई बहुत बड़ी दुविधा दूर होने से मानसिक सुकून मिलेगा। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में समय व्यतीत करें। अन्य लोगों की समस्याओं को सुलझाने पर आपका ध्यान रहेगा, इस कारण व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातों को नजरअंदाज न करें। अन्य लोगों को की गई मदद से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो विचार आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं उनमें बदलाव करें। नए सिरे से शुरू किया गया व्यापार तुरंत आर्थिक लाभ नहीं देगा। पार्टनर से सुझाव और सूचनाओं पर विचार करें। आंखों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, व्यर्थ की गतिविधियों में समय ना लगाएं तथा अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहें। दूसरों के मामलों में बिन मांगी सलाह ना दें। कोई मुसीबत आपके लिए ही खड़ी हो सकती है। नजदीकी रिश्तेदारों तथा भाइयों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। तीखी नोक झोंक की वजह से घर का वातावरण कुछ डिस्टर्ब रहेगा। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मान कर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन ना करें, यह जांचने की कोशिश करेगी क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग हैं। आज के दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी साथ लाएगी जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार की वजह से आज आप कुछ हल्के फुल्के खरीदारी भी कर सकती हैं। नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे जो कि फायदेमंद रहेंगी। फोन पर कोई महत्वपूर्ण वार्ता आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनाएगी। काम के दबाव के कारण कभी कभी आप स्वयं को फंसा हुआ महसूस करेंगी, परंतु आज की मेहनत आपके भविष्य के लिए बेहतरीन भाग्य का निर्माण करेगी। बात करते हैं सेहत की। योग व्यायाम आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। जोड़ों के दर्द व नसों में खिंचाव की वजह से कुछ परेशान रहेंगी।
आप काफी सकते हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाती हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती है, इसलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दे तो यह समझ ले कि आलसी हो और किसी चीज के चलते ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज आप शिवलिंग पर मिश्री चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।